Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. तुम में और चंदा में जमीन आसमान का फर्क। तुम हमारा दिल को भाग गया, उसका एक वजह है। वजह ये है कि बजो तुम्हारा जो है वो शादीशुदा है, उसका एक बच्चा भी है और तुम्हारा शादी नहीं हुआ है। तो मैं तुम्हारे साथ शादी मनाएगा। हाँ बताओ, क्या कह रही थी? यही बच्चों के तुम्हें चिड़िया से झूठ नहीं बोलना चाहिए। झूठ? कैसा झूठ? जो यही कि तुम उसके लिए कल केक लेके आओगी। तुम्हारा मैं और क्या कहूँ इसको? मेरी बेटी ने कभी कोई ख्वाहिश ही नहीं की। लेकिन कल जब वो उम्मीद करेगी कि तुम उसके लिए केक ला रही हो, तुम नहीं ला सकोगे तो वो और उदास होगी। बच्चों, वैसे भी इस घर में दो वक्त की रोटी हम मरमर के पूरी करते हैं, तुम उसके लिए केक कहाँ से लाओ? नहीं, मैं अपनी बेटी के लिए केक लाऊंगी, कोशिश करूंगी। कौन? क्यों आई हो यहां? चाय रख दो यहां। अब जाओ यहां से, मेरा मुंह क्या देख रही हो? जाओ यहां से। जबरदस्त जरा मेरे तकिया ऊंचा कर देना। क्या बात, तुम अकेली हो? बच्चियां नहीं आई? कहाँ है बच्ची? वो आज चिड़िया की सालगिरह है ना, चंदा से कह रही थी केक ला के दें, तो बस घर पे थोड़ी सी सालगिरह की। हमारी चिड़िया की आज सालगिरह? कमाल, देखो तो भले ये लड़कियां भी ना बड़ी ही बेइज्जती कर रही हैं, देखते देखते बड़ी हो जाती। अच्छा ये तो बताओ कैसे माशाल्लाह हमारी चिड़िया कितने साल की हो गई? हमारी बेटी 8 साल की हो गई है। 8 साल? माशाल्लाह माशाल्लाह, जिंदगी भी और जिंदगी के साथ साथ नसीब भर उसने हो तो मसीब याद है कि
असल से ज्यादा सूद प्यारा है, खासतौर पर बेटियों का हालात बहुत ही प्यारा है। मैं कितना बदनसीब लाना, मेरा पास एक दो रुपए की चॉकलेट भी नहीं देता पाए। आपसे कितनी बार कहा है इतना मत सोचा कीजिए, आप जल्दी से ठीक हो जाइए, फिर पूरी दुकान चॉकलेट की खरीद के दे दीजिएगा। इस उम्र में भी तुम अच्छा मजाक कर देती। वो कहती है ना कि दिल खुश करने को गालिब ये ख्याल अच्छा। उसने अगर मेरे हालात इतने अच्छे होते तो आज तुम और मेरी बेटियां दूसरे घरों में ना झाड़ू और छोटे बर्तन नहीं मांज रही होती। हकीकत तो यह है कि मुझे अब अपने आप से घिनना नहीं रखी, क्योंकि मैं हूं जो तुम सबके लिए एक मुसीबत परेशानी का पहाड़ बनकर है। आपसे कितनी बार कहा है कि आपसे ना मैं परेशान हूं ना हमारी बच्चियां परेशान हैं, क्यों ऐसी बातें करते हैं? दंद है हम आप हम आपको नहीं जानेंगे तो और कौन जाने? उसना आप बहुत साबिर हैं, जाबर हैं साबिर। इस बीवी ने जवानी में कभी कोई ऐसी बात नहीं की, कभी किसी कभी हमारा दिल नहीं टूटा। आप इस नाम तबाह और कमजोर दिल को क्या तोड़ें? क्या तोड़ें? हमें तो सिर्फ यही दुख खाया जाता है कि काश हमने आपके लिए कुछ किया होता। सर इस देखिए कोशिश के बाद किसी किस्म की कोई खुशी हुई? कोशिश भी तो नहीं थी आपके लिए, दिया तो सिर्फ दुख ही दुख परेशानी थी। और आपने कभी लब से लब नहीं हिलाया, न कभी गेदा किया, न कभी शिकायत की। चलिए अब आप ये सारी बातें छोड़िए, जल्दी से ठीक हो जाइए। हाँ देखो केक ओफो, एक तो इनका प्रमोशन नहीं हो गया, मेरे लिए अजाब हो गया है। इतने सारे केक्स का क्या मैं अचार डालूंगी? हाँ वो तुमने भाई साहब का केक और आमना खाला का केक पहुंचा दिया ना? जी वो दे दिया। फिर ऐसे करो ये सारे केक फ्रिज में रख दो। जी और तुम अब घर जा रही हो? जी रात का खाना भी मैंने बना दिया है, बस फिर इन्हें फ्रिज में रख देना। बेगम साहिबा इनमें से जो छूटा केक है मैं घर ले जाऊं, आज मेरी बेटी की सालगिरह है। अरे एक नहीं तुम दो केक ले जाओ, बल्कि जो तुम्हें पसंद हो वो वाला ले जाना। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और हाँ मैं तुम्हें कुछ पैसे दे देती हूँ, अपनी बेटी के लिए गिफ्ट भी ले लेना। जी बेहतर, जाओ ये रखो। माला आंटी ये कपड़े कैसे लग रहे हैं? बहुत प्यारे, एकदम शहजादी लग रही हो। अम्मी ये दिलाए थे मुझे बहुत पहले। शहजादी लग रही हो एकदम।
माला आंटी, अम्मी को गायब कितने देर हो गई? अभी तक क्यों नहीं आए? रास्ते में होंगी, बस आती हूँ। अरे हाँ, अम्मी तो मेरे केक लेने गई थी ना, इसलिए देर हो गई। माला आंटी कितने अच्छा लगेगा ना जब मैं केक काटूंगी। बस सुषमा, अब जी नहीं चाहता। थोड़ा सा और ले लीजिए। बस थोड़ा ही सी देना। बस मैं पेट भर गया। कुछ कौन है? इशाद आया होगा। आ जाओ बेटा, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। अरे अरे शबून मियां, अरे भाई कैसे तुम आए हो? आप कैसी तबीयत है चाचा? तबीयत क्या क्या पूछते हो? जितनी सांसें हैं उस वक्त तक तो जीना पड़ेगा ना। तुम बताओ सब खैरियत है? कैसे आना हुआ? चाचा, खाला को बेगम साहिबा ने घर बुलाया है, इन्हें लेने आया। खैरियत तो है बेटा? खाला, चंदा ने बेगम साहिबा के जेवर चोरी किए। क्या 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 कह रहे हो? मैं इसलिए तो आपको लेने आया हूँ। नहीं, हमारी बेटी ऐसी नहीं है। आंसू, हमारी बेटी ऐसी नहीं है। हाँ, इसे ही कह रहा है, इसे ही कह रहा है। हम चोर हैं ना, देखो पहले हमारा बेटा पकड़ा गया चोरी में और अब हमारी बेटी ने चोरी कर दी। हम चोर हैं, हम चोर हैं। डॉक्टर को कहो हम यहीं अस्पताल भी चोरी करके ले जाएंगे। उसे कहो जल्दी से बुला बुला। डॉक्टर साहब, अब कोई परेशानी की बात तो नहीं है? बीवी जी, इनकी हालत ठीक नहीं है और इनका ब्लड प्रेशर भी मुसलसल फ्लक्चुएट कर रहा है और पल्स भी अप डाउन हो रही है। प्लीज ख्याल रखिएगा कोई ऐसी बात ना करें जिससे इनको किसी किस्म का शक्सद ना हो। बहुत ज्यादा ख्याल रखें। जी जी, अच्छी बात। ठीक है जी। ये क्या हो गया? मेरी बेटी किस मुसीबत में फंस गई? तो बड़े लोग की तो बड़ी मुसीबत होती है, हम गरीब छोटे लोग ये सब कैसे बर्दाश्त कर पाएंगे? पता नहीं कहाँ खो गया और कौन कैसे, पता नहीं कहाँ खो गया होगा उनके से, पता नहीं किस तरह से भर पाएगी। आप परेशान ना हो, अल्लाह करेगा तो सब ठीक हो जाएगा। मालकन को जरूर कोई गलत फहमी होगी। इरशाद, तुमने सुना सुने सुने सुनाया तुमने सुना इरशाद, तुम्हारी बहन पर भी चोरी का इल्जाम लग गया। और ये सब कुछ तो पता ही, सब कुछ क्यों हो रहा है? सब कुछ मेरी वजह से, क्योंकि अगर मैं काम कर जाता ना
तो आज मेरी बेटी को कृषि करने जाके काम करने की जरूरत नहीं पड़ती। उस पर किसी की हिम्मत नहीं होती कि वो चोरी का इल्जाम लगा दे। ये मैं हूं ना, इसने आज तक अपने बच्चों को कोई दुख कोई खुशी नहीं दी। उसमें आपका कोई कसूर नहीं है, आप खुद को परेशान ना करें। मेरी बच्चों चोर नहीं है, इसे पूरा यकीन है। कृष्णा, हमारी बात गौर से आप ना, हम अपनी मालकिन के पास भेजें, हम उनको जाके समझाएंगे कि हमारी बेटी चोर नहीं है। हमने अपने बच्चों को ऐसी तरबियत नहीं दी, हमारे खुदा के बारे ना हमने हराम खाया ना अपने बच्चों को हराम खाया। देखिए, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आपको डॉक्टर ने आराम करने का कहा है, आप परेशान ना हो। तो बाहर नहीं जाया, लोग हमारी बेटी को चोर कह रहे हैं और आप कह रहे हैं कि हम आराम करें। हम इस हालत में आराम करें? देखिए, संभालिए अपने आप को, आपकी तबीयत ठीक नहीं है। कैसे संभाले नहीं? कैसे संभाले? मेरी आंखों का नूर, मेरी बेटी चंदा, लोग उसको चोर कह रहे हो, तुम कह रही हो कि मैं अपने आप को संभाल। हम जा रहे हैं मालकिन से मिलने, हम बात करेंगे उनसे, आप आराम कीजिए। अब अम्मी ठीक कह रही हैं अबू, जैसी बात करती हो। मैं आराम नहीं करूंगा, मुझे अपनी बेटी के पास जाओ, मैं अपनी बेटी के पास जाऊ, मैं चश्मे का मुझे तुम क्यों बच्चों की तरह से जिद कर रहे हैं आप? हम कह रहे हैं ना, हम जा रहे हैं मालकिन से मिलने के लिए, हम बात करेंगे, लेकर आएंगे आपकी बेटी को, कुछ नहीं होगा आपकी बेटी को। इरशाद, हम जाते हैं, वहां ड्राइवर खड़ा है, उनके पास बैठो और उनका ख्याल रखना, यहाँ से हिलना मत, सही है? चिड़िया, तुम्हें खाना खिला दूं? मैंने नहीं खाना। आंटी, आप मम्मी को बुलाएं ना, कहाँ चली गई है वो? बेटा, मामू गए हैं ना, देखना अभी अम्मी को ले आएंगे तुम्हारी। मामू को घर पे कितनी देर हो गई, अभी तक क्यों नहीं आए? आप बैठो, मैं भी देख के आती हूँ, ठीक है? तब तक थोड़ा खाना खा लो। हमारी गुड़िया की तबीयत कैसी है? खाना खा रही है? नानी, मुझे मम्मी के पास ले चले ना। चिड़िया, आप अल्लाह पाक से दुआ करो आपकी अम्मी घर वापस आ जाए, वो बहुत बड़ी मुसीबत में है। नानी, अम्मी मेरी वजह से मुसीबत में पड़ी है, मैंने ही उनसे केक लाने को कहा था, मुझे केक नहीं चाहिए, मुझे मेरी अम्मी चाहिए। नहीं बेटा, तुम्हारी वजह से कुछ भी नहीं हुआ, ये इम्तिहान तो हम गरीब ऊपर से अपनी किस्मत में लिखवा कर लाए हैं, जो हमें जिंदगी भर देने हैं। अम्मी, आपने बेगम साहबा को कहा नहीं कि बच्चों चोरी नहीं कर सकती? कहा था, अगर बेगम साहिबा
कोई बात सुनने को तैयार ही नहीं है। उल्टा वो हमसे कह रही हैं कि हमने उनको ने अपनी बेटी को खुद इस चोरी के लिए कहा है। आपको भी ऐसा लगता है कि अगर हम जावेद की शादी कर दें तो दिलकश को भूल जाए और नॉर्मल लाइफ में आ जाए? जवेरी डॉक्टर्स ने भी कुछ ऐसा ही कहा है, लेकिन मैं ये सोच रहा हूँ कि इस हालत में जावेद की शादी हम करेंगे किससे? एक तरफ तुम्हारे अब्बा हैं, दूसरी तरफ चंदा, हम इन दोनों के बीच में परेशान हो गए। हम अस्पताल जाएंगे तो तुम्हारे अब्बा सबसे पहले हमसे ये सवाल करेंगे कि चंदा कहाँ है, क्या जवाब देंगे उनको?